हाय गाइस, वेलकम टू किचन फैंटेसी। दोस्तों, मैं आज आपके साथ कोई रेसिपी नहीं बल्कि एक किचन ट्रिक शेयर कर रही हूँ। आप पनीर को बिना छुरी के किस तरह से काट सकते हैं, तो आज इस रानी साहिबा को यानी इस छुरी को दे देते हैं छुट्टी और इसको रिप्लेस करेंगे हम एक धागे से। मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम मलाई पनीर का बार ले लिया है। अब धागे को तोड़ लेते हैं। धागे की लंबाई करीब 10 से 12 इंच ले लीजिए और दोनों हाथों की उंगलियों पर लपेट कर कस के इस तरह से धागा पकड़ लीजिए और पनीर के सेंटर से चलाते हुए धागे को नीचे ले जाइए। हल्के हाथ से करना है, बड़ी आसानी से कट जाएगा। अब ये जो दोनों पीसेस है, मैं एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर लूँगी और इनको लंबे फिंगर्स के आकार में काट लूँगी। पनीर के पकौड़ों के लिए या चिली पनीर के लिए इस तरह से आपकी जो कटिंग होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी एक ही आकार के आके पनीर के पीसेस कट जाते हैं, वो भी बड़ी आसानी से, और काफ़ी पीसेस इकट्ठे कट हो जाते हैं। अब जो बाकी बचा हुआ पीस है उसको भी मैं बीच से डिवाइड करते हुए काट लूँगी। ये देखिए, अब इनको सेपरेट कर लेंगे। अब फिर से ये जो दो पीसेस हैं इनको मैं फिर से सेंटर निकाल के इसको बीच से कट कर लेंगे। ये देखिए, ये आप टीका के लिए या फिर कोई सब्जी के लिए इतने आकार के काट सकते हैं। ये देखिए, मैंने इनको डायगोनली काट दिया है क्यूब्स को और ये ट्रायंगल्स बन चुके हैं और ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं मटर पनीर की सब्जी में। अब बाकी जो बचे पीसेस हैं वो देख लीजिए मैं किस तरह से काटती हूँ। अब ये वाला जो पीस है मैं इसको क्यूब्स में काट लूँगी। ये देखिए, फिर से सेंटर निकाल के एक दूसरे के ऊपर प्लेस करना है और फिर से इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स के आकार में काट लेना है। पहले हॉरिजॉन्टल वे में और फिर बाद में वर्टिकल वे में कट करके इनको क्यूब्स का आकार दे देंगे। ये वेज कढ़ाई के लिए या फिर बिरयानी के लिए यूज़ होते हैं ये इतने साइज़ के क्यूब्स। ये देखिए कितने झटपट कट गए, वो भी यूनिफॉर्म साइज़ में। अब ये जो आखिरी पीस है वो हम काट लेंगे पनीर पसंदा के लिए, क्योंकि उसके लिए छुरी से काटना काफ़ी ट्रिकी होता है और धागे से तो झटपट कट जाता है, वो भी बिना टूटे सेम साइज़ में। अब यहाँ पर फिलिंग करके एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके इसकी सब्जी बना सकते हैं पनीर पसंदा की। फ्रेंड्स, मलाई पनीर काफ़ी नाजुक होता है, तो इस तरह धागे से काटने से बिना टूटे आपका पनीर बड़ी आसानी से झटपट कट जाता है और क्वांटिटी हो तो और ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए।